तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के आपके अति महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों आप चाहे एमपी बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड से या और अन्य किसी भी बोर्ड से हो, दोस्तों आपके सब जगह पर एक ही प्रकार का गणित चलता है। और दोस्तों, इस गणित में से जो आपको मैं सवाल बताने वाला हूँ ये बिल्कुल आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अध्याय 7 के ऐसे बेस्ट आईएमपी सवाल बताने वाला हूं जो कि आप सबसे आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा 101%। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें। और दोस्तों देखिएगा, आपने देखा होगा मेरा प्रत्येक विषय को पढ़ाने का जो अनुभव है वो दोस्तों इतना सरल है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं उनको दोस्तों जो भी चीज़ें मैं क्लासरूम में बताता हूँ उनको क्लासरूम के अंदर ही याद हो जाती है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देख कर जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7.1 के ऐसे आईएमपी सवाल बताऊंगा, यानी कि दोस्तों आज मैं आपको पूरा का पूरा आपका अध्याय एक, जी हाँ दोस्तों, अध्याय एक में से कौन कौन से सवाल आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आज मैं आपको टोटल बताने वाला हूं। अगर आप दोस्तों एवरेज माइंड के बच्चे भी हो और अगर आपको गणित अच्छा नहीं लगता है तो भी दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। आप सभी लोग थोड़ा सा दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखें और दोस्तों आपको प्रत्येक सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक सवालों को। देखिएगा दोस्तों, इसमें पहला सवाल दिया गया 7.1 का, ये दोस्तों 101% आपके पेपर में छप चुका हुआ सवाल है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, 2019 में भी पूछा गया है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है 2.3 और 4.1। तो चलिएगा दोस्तों जल्दी से हम इस सवाल को हल करते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। तो देखते हैं इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन कि किस आधार पर दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों, इसके लिए हम एक पेपर को लेते हैं और इसके ऊपर दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं पूरा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आप सभी लोग इसको पास से बहुत ही अच्छे से देख सकें। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अब आपको ये पूरा अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे से इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर जो आपको सवाल दिया गया था इसको हम लिख लेते हैं, अध्याय 7.1 का सवाल है दोस्तों ये। तो यहां पर हम लिख लेंगे 7.1 का ये पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि लिखा गया है यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखा है दोस्तों 2.3 और कोष्टक हो गया बंद और इसके बाद में दोस्तों लिखा है 4.1। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे दूरी निकालने के सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, अब थोड़ा स्पष्ट नज़र आपको आ रहा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार का सवाल है, 2.3 लिखा है और 4.1 लिखा है, इसको हमें हल करना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर लेनी है। इसके नीचे आपको X1 लिख देना है और इसके नीचे दोस्तों आपको Y1 लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे आपको X1 और इसके नीचे आपको Y1 लिखना है। इधर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है X2 और यहाँ पे लिखना है Y2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका सवाल है, इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, एक सूत्र होता है जिसे कि दूरी सूत्र कहा जाता है, AB बराबर, और इस तरह से आपको लिखना है अंडर द रूट और इसके बाद में आपको इस प्रकार से पूरा लिख लेना है। तो देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं और इस सूत्र को पूरा लिखते हैं। ये सूत्र होता है दोस्तों, कोष्टक लगा लेना है और एक्स का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर, यहाँ पे X2 माइनस X1 और इसका स्क्वायर चढ़ा देना है और इसके बाद में फिर आगे लिखना है कोष्टक लगा के Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब आपको दोस्तों लिखना है यहाँ से AB बराबर और इसी प्रकार से अंडर द रूट कर देना है और यहाँ से आपको लिखना है X2। X2 हमारे पास में कितना है दोस्तों, 4 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से इसको नंबरिंग ऐसे करनी है, इसको हम X1 मानेंगे और इसको Y1, इसको X2 और इसको Y2। तो इस प्रकार से हमारे पास में देखा जाए तो X2 कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे X2 कितना हमारे पास में, 4 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। माइनस का X1 कितना है, X1 हमारे पास में है दोस्तों 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर प्लस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे। Y2 कितना लिखा है, Y2 लिखा है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और इसके बाद में Y1 कितना है, Y1 अपने पास में 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 को लिख दिया और अब स्क्वायर को चढ़ा दिया। तो अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब आगे क्या होगा वो भी हम देखते हैं।
ए बी का स्क्वायर बराबर, अब देख सकते हैं तो चार में से दो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा दो, दो का स्क्वायर यह हो गया दोस्तों। और उसी प्रकार से अगर आगे देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे ये माइनस का तीन है और ये प्लस का एक है, तो माइनस के तीन में से प्लस का एक माइनस हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो हमारे पास में दोस्तों माइनस का दो बच जाएगा और उसका स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखा है, तो देख सकते हो ए बी बराबर दोस्तों हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो दे रखा है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों इसका इससे इंटू करना है, यानी कि दो के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमें दो का इंटू दो से कर लेना है। किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दो का गुणा दो से करेंगे तो ये चार हो जाएगा, तो इसलिए दो इंटू दो हुआ तो यहाँ पे हमने लिख लिया चार। कितना लिखेंगे दोस्तों, दो का इंटू दो से हुआ चार हो गया। इधर देखते हैं माइनस दो का इंटू माइनस दो से होगा, देंगे कुछ इस प्रकार से माइनस दो गुणा माइनस का दो, तो देखिएगा दोस्तों जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये तो प्लस में बदल जाएगी, और दो का इंटू दो से होगा तो ये चार हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों आपका कितना आ गया, ये चार आ चुका है। अब चार और चार को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हमारे पास में चार और चार दोनों को जोड़ दिया तो ये आपका आठ हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों वैसे तो उत्तर आपका यहीं पर आ चुका है, मगर थोड़ा सा और आपको हल करना होगा कि अब हम आठ का एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिएगा दो से अगर इसको काटा जाए तो चार बच जाएगा, फिर दो से काटे तो दो आ जाएगा, फिर दो से काटा जाए तो एक आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों रूट के अंदर कोई भी संख्या अपने आधे रूप में होती है, देखिएगा एक तो आपका ये जोड़ा बन चुका है, अब एक को तो दोस्तों ये रूट के अंदर से बाहर आते टाइम पर आधा हो जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के ये देखा जाए तो ये इस प्रकार से इसका पूरा सोल्यूशन बन गया है। तो रूट के अंदर आपका दो रह जाएगा और ये दो जो बाहर आएगा दोस्तों इसमें से एक लॉस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रूट के अंदर इनकी वैल्यू आधी होती है, जैसे कि रूट के अंदर नौ लिखा है तो ये बाहर आके दोस्तों तीन बचेगा, क्योंकि तीन तीन का नौ होता है, उसी तरह से आप इसको समझ लें, ये जब बाहर आएगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का बचेगा ए बी बराबर दो रूट दो। ये दोस्तों आपका इस सवाल का उत्तर होगा, आप सभी लोग इसको नोट कर लें, पूरा का पूरा दोस्तों मैंने आपको ये सवाल समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा सवाल आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलिएगा आप अगले सवाल को लेते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो माइनस पाँच सात और माइनस एक और तीन दिया गया है, तो देखिएगा दोस्तों अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। चलिएगा इस तरफ इसको लिखते हैं, बड़े ही आसान सवाल है दोस्तों और ये आप सबसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये दूसरा वाला सवाल हम हल कर रहे हैं, इसमें दोस्तों पहले दे रखा है माइनस का पाँच और इसके बाद में दोस्तों दे रखा है कोमा के बाद में संख्या लिखी है सात, और इसके बाद में फिर लिखा है दोस्तों आपका माइनस एक और तीन, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख लेंगे माइनस का एक और तीन। देखिएगा दोस्तों इसके लिए भी वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे एक्स वन और इसको मानेंगे वाई वन और इसको मानेंगे एक्स टू और इसको मानेंगे वाई टू, तो इस प्रकार से हमने इसको मान लिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे जो कि होता है दोस्तों ए बी, और आगे हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर द रूट और एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, और इसके बाद में प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों दूरी सूत्र हमने यहाँ पे लिख लिया है, और अब इसमें हम इसका मान पुट कर देंगे, देखिएगा जो जो दे रखा है उसको ऐसा कैसे ही, एक्स टू कितना है दोस्तों वन है माइनस का, तो यहाँ पे हमको क्या करना है एक्स टू को हटा देना है और इसकी जगह माइनस का वन हमने रख दिया। अब एक्स वन कितना है दोस्तों, ये आपका माइनस लगा है तो यहाँ पर हम एक और माइनस, ये वाला माइनस हमने ये लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे एक्स वन कितना है वो आप लोग ध्यान देंगे, एक्स वन आपका माइनस पाँच है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, दो माइनस एक साथ में आ रही है तो एक वाली माइनस को हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। अब देखो ये कोष्टक यहाँ पे बंद हो गया और ये वाला कोष्टक इस जगह पे बंद हो गया और इसके ऊपर हमने ये स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसके आगे देखते हैं वाई टू कितना लिखा है, वाई टू लिखा हमारे पास में तीन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीन, और उसी के बाद में दोस्तों माइनस है तो माइनस, वाई वन कितना लिखा है सात, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सात। अब इसके बाद में दोस्तों इसका स्क्वायर हम चढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों ए बी यहाँ पे लिखा है, ए बी का ए बी और ये दूरी सूत्र में से क्या निकल के आएगा, देखिएगा दोस्तों माइनस का वन लिखा था तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा, और देखिएगा दोस्तों जब माइनस बाहर आएगी ये माइनस, या आप ऐसा समझ लें कि माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये प्लस हो जाएगा और पाँच बाहर आ जाएगा इस प्रकार से, और इनका स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा। और उसी के साथ में आगे देखते हैं
तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 3-7 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3-7 में से, तो देखिएगा 3+ का है, ये माइनस का 7 है, तो इसमें से दोस्तों ये चला जाएगा, तो माइनस का हमारे पास में 4 बच जाएगा और इसका स्क्वायर बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, तो ए भी बराबर, और इस प्रकार से दोस्तों आपको अंडर द रूट लिखना है, माइनस एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में दोस्तों ये बच जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस इधर हमारे पास में माइनस 4 का स्क्वायर पहले से ही था, यानी कि दोस्तों जिस सवाल को हमने किया था उसमें यहाँ पे 2-2 आए थे और यहाँ पे 4-4 आ गए, सेम टू सेम स्थिति है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 4 का इंटू अगर 4 से करेंगे तो ये तो आपको भी पता है दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 अगर हम करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, और उसी प्रकार से इसका 4 × 4 करेंगे तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, तो ए भी बराबर, 16 और 16 प्लस करेंगे तो ये आपके 32 हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिएगा, 32 का वर्गमूल अगर होता तो पूरी संख्या बाहर आ जाती, मगर अभी हम 32 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 का अगर एलसीएम लेंगे हम इस प्रकार से, तो देखिएगा 2 से हम इसको काट देंगे 16 बार में, फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों ये 8 बार में, और फिर इसको हम 2 से काट देंगे 4 बार में, फिर हम इसको 2 से काट देंगे 2 बार में, और फिर हम इसको 2 से काट देंगे 1 बार में। तो देखिएगा इस प्रकार से कट चुका है। अब जोड़े बनाने की बात की जाए तो दोस्तों एक जोड़ा ये बन चुका है और एक जोड़ा ये बन चुका है, और दोस्तों अब इस एक जोड़े में से 1-2 बाहर आएगा और इस एक जोड़े में से 1-2 बाहर आएगा। अब 2 का 2 से इंटू होगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके, तो 4 तो बाहर आ गया अपना, √2 अंदर बच गया। तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल का उत्तर आएगा आपका 4√2। ये दोस्तों इस सवाल का दूसरे वाले का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सबको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों बिना किसी देरी के इसका दूसरा वाला सवाल भी हम हल कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हो पाता है या एक और नया पेपर को लेना पड़ता है अपन को। चलिएगा एक और नया पेपर ले लेते हैं जिसपे कि हम आसानी से समझ सकते हैं इस सवाल को। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इस सवाल को हल कर लिया है, इसको कर लिया है, अब हमें इस वाले सवाल को हल करना है। अधिकतर दोस्तों इस सवाल में आपको दिक्कत आती होगी, मगर दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। चलिएगा अब हम इसको लिख लेते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है दोस्तों। देखिएगा इसको किस प्रकार से आपको हल करना होगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है, सवाल नंबर 3 है और अंदर दे रखा है ए और कोमा, इसके बाद में लिखा है बी, ए कोमा बी लिखा है, और इधर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है माइनस का ए कोमा माइनस का बी। तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे दोस्तों एक्स वन, इसको वाई वन, और इसको एक्स टू, और इसको वाई टू। देखते हैं अब आगे इस सवाल को करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अब हम दूरी सूत्र को लिखेंगे, जो कि होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और इसके बाद में दोस्तों आगे आएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर ए भी लिखा है तो ए भी ऐसा कैसा ही रहने दे आप लोग। अब देखते हैं x2 कितना है दोस्तों, माइनस का a है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार से इसके मान पुट करते चलना है। x2 माइनस का a है, तो यहाँ पर हमको क्या लिख लेना है, माइनस का a। ओके, अब इस वाली माइनस को लगा लिया, जो कि ये लग गया। x1 कितना है, x1 a है, तो यहाँ पे हमें क्या लगा लेना है दोस्तों, x1 की जगह हम इसको लिख लेंगे जो कि क्या है, माइनस का a। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया और इसका हो गया दोस्तों होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, y2 लिखा है, तो y2 कितना है दोस्तों, y2 है आपके पास में माइनस का b, तो ये लिख दिया हमने माइनस का b। और इसके बाद में y1 कितना है, तो देखिएगा ये माइनस का b हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है, तो ये चढ़ा दिया। अब देखेंगे दोस्तों आगे, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, ए भी बराबर, देखिएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो देखिएगा इसका क्या होगा, तो ये माइनस है, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों माइनस के 2a। ओके, और इनका होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इधर देखते हैं तो इधर क्या हो जाता है, देखिएगा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b। इसको 2 लिखें आप लोग, माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा अब आगे क्या निकल के सामने आता है उसको भी देखते हैं हम। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से माइनस 2a का इंटू 2 बार करेंगे हम, जो कि क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर करके। तो देखिएगा दोस्तों जब हम माइनस 2a गुणा
माइनस दो एक करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, दो का गुणा दो से होगा, माइनस का इंटू माइनस से हुआ तो ये तो प्लस हो गई, ये चार ए स्क्वेयर हो गया दोस्तों। कितना हो गया ये, चार ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चार ए स्क्वेयर, ये क्या हो गया दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, इन दोनों का इंटू हुआ तो चार ए स्क्वेयर आ गया। और उसी प्रकार से इसका होगा दोस्तों तो ये भी आ जाएगा चार बी स्क्वेयर, इस तरह का बी बना ले, चार बी स्क्वेयर। ओके, अब कोष्टक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे आप कोष्टक को रहने दें। चले इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इसको हम पूरा कैंसिल करते हैं। आपके पास में चार ए स्क्वेयर प्लस चार बी स्क्वेयर आपके पास में आ चुका है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे चार चार का तो देखिएगा कितना आ जाएगा, देख सकते हो आप इस प्रकार से। तो देखिएगा आपके पास में जो एलसीएम आएगा बाहर वो कितना आ जाएगा, आप स्वयं भी इसको देख के कर सकते हो। उम्मीद है कि दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आया था या नहीं आया था। तो देखिएगा दोस्तों अब इस प्रकार से हम इसको भार लेंगे, इस चार को, इस चार को, तो ये दो दो के रूप में दोस्तों भार आ जाएगा। तो इस प्रकार से भार अगर लें, इसको लिखें, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा हो जाएगा, दो भार आ गया और अंदर हमारे पास में रह जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसको भार कैसे लिया मैंने, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता देना चाहता हूँ कि चार और चार का एलसीएम लिया हमने, दो एक हम दो बार में कट गया, ये दो बार में कट गया, तो इस प्रकार से ये दो दो जो था एक दो भार आ गया आपका। ओके, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही आपका दोस्तों इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा दोस्तों, तीन सवाल मैंने आपको यहाँ से आपको बता दिए हैं जो कि आप सबके लिए अध्याय सात के वेरी मोस्ट टाइम के सवाल हैं, आप सबसे पूछे जाते हैं, आप सभी लोग इनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और देखिएगा दोस्तों इसके अलावा एक सवाल और आपको मैं बताता हूँ जो कि दोस्तों आप स्वयं कर सकते हो, इसी प्रकार से आपको ये सवाल करना है। देख लीजिएगा दोस्तों, ये वाला सवाल दे रखा आपको, बिंदुओं 0 0 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लें, इसी प्रकार का सवाल है दोस्तों, आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों ज़रूर करके जाइएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, या आपने हमारे वीडियो को पहली बार देखा हो, या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।